है। मैम आपका नाम जो बिजबैरक के लिए आ रहा है, क्या इस बात की तस्दीक आप करेंगे? देखिए वो तो अभी स्पेकुलेशन चल रही है, लेकिन मैं एक चीज क्लियरली बोलना चाहती हूँ कि पार्टी ने आज तक मुझे जो भी जिम्मेवारी दी है वो मैंने निभाने की कोशिश की, और अगर पार्टी में जो हमारे लोग हैं, लीडरशिप है, उनको लगता है आई शुड स्टेप अप, मैं बेझिझक आई विल स्टेप अप, आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैम मुफ्ती रहमान वीरी ने आज मीटिंग जो है श्रीनगर के अंदर अटेंड नहीं की है, क्या राज इसके पीछे है? देखिए वीरी साहब हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं एंड मैं कुछ ऐसे बोलना नहीं चाहती विच विल साउंड डिस्टेस्टफुल। ही इज बीन एन एमएलए, ही इज रिप्रेजेंटेड बिजबिहारा 5 times, सो एंड ही इज डन फिनोमिनल वर्क फॉर हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी एज वेल एंड वी आई होल्ड हिम इन हाई रिगार्ड। मेरे लिए वो मुफ्ती स्टेट क्राइसिस चल रही है पार्टी में, जिस नतीजे में लग रहा है कि एक बार फिर स्प्लिट हो सकता है। देखिए आप सेम क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं, जो मैंडेट्स हैं वो डिसीजन हमारी जो पार्टी की कोर कमेटी है वो लेंगे। मैं आई एम नॉट राइटली प्लेस टू आंसर योर क्वेश्चन बिकॉज दिस इज नॉट समथिंग जो मैं डिसाइड करूंगी, ये सीनियर लीडरशिप डिसाइड करेगी। आज के आज के दिन के हवाले से अगर आपको ऑफर मिलती है एनसी या कांग्रेस की जानिब से तो क्या आप एलायंस? देखिए पीडीपी मेरा घर है, मेरा पूरा बचपन इसी में गया है, जो मुफ्ती साहब और मेरी मदर ने जमात अपने खून पसीने से बनाई, तो जब ये मेरा घर है मैं कहीं और क्यों जाऊंगी? अगर जरूरत पड़े आप पीडीपी को अगर जरूरत पड़े कई सीटों की, देखिए मैं महबूबा जी की मीडिया एडवाइजर हूँ, मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ। ये सवाल आप महबूबा जी से ही पूछे, लेकिन मुझे लगता है कि इस दौर से जिस दौर से हम गुजर रहे हैं आफ्टर 2019, सबका इकट्ठा होना इज अ गुड थिंग, इट्स नॉट अ बैड थिंग, हम सबको एक साथ मिलके चलना चाहिए आगे। मैम देयर इज अ स्लोगन दैट पीपल आर फेड अप ऑफ द ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स व्हाटएवर वी हो। हाँ देखिए जमहूरियत की यही खूबसूरती होती है कि लोग अपनी जो विश होते हैं वो एक्सप्रेस करते हैं एंड पीपल आर एंटाइटल्ड टू देयर ओपिनियन। अगर लोगों को ऐसा लगता है तो The biggest way they can answer is through their vote. वो जिस नुमाइंदे को चूज करेंगे हम सबको उसकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिकॉज दिस इज द पावर ऑफ अ डेमोक्रेसी दैट इवेंचुअली इट इज द पीपल, एक कौम, एक आवाम होती है जो चूज करती है। थैंक यू।